मैं 7 साल से बोल के साथ हूँ ARY न्यूज के बाद मैंने बोल ज्वाइन किया एज अ प्रोग्राम एंकर। जब तक शुएब शेख थे जो भी मामलात हुए उनके अकाउंट सीज हुए और सारी चीजें हुई, लेकिन कभी भी ये नहीं हुआ कि एंकर्स के साथ या अपने मेन लोगों के साथ ये सलूक किया गया हो। अच्छा, हरेसमेंट जिसके हवाले से मैंने ट्वीट किया, बोल न्यूज में कभी भी तस्वुर नहीं किया जा सकता था कि हैरेसमेंट, मतलब हैरेसमेंट का लफ्ज बिल्कुल एक वो था कि ऐसी कोई बात कभी शुएब शेख के होते हुए नहीं हो सकती थी। और हमने बड़ा सिक्योर और बड़े अच्छे माहौल में हमने काम किया और बहुत अच्छा टाइम मैंने बोल में गुजारा। उसके बाद रजीम चेंज हुई, आपको पता है कि इमरान खान को जो है वो पाबंद सलासल किया गया। जब वो जेल गए तो सबसे बड़ी आवाज बोल था और हम सब उस पर ट्रांसमिशंस करते रहे। बोल को फिर बंद कर दिया गया, हमारे अकाउंट्स फिर सीज कर लिए गए, शुएब शेख को उठा लिया गया। बहुत मुश्किल टाइम हमने देखा, लेकिन उसके बावजूद हमारी सैलरीज जो थी वो कभी भी इतनी लेट नहीं हुई, आ ही जाती थी। मुझे US आना पड़ा, मेरे नेफ्यू की शादी थी, मैं अपने बच्चों और हस्बैंड के साथ यहाँ आ गई। वो ट्रांजिशन फेज कम्प्लीट नहीं हुआ था। जो न्यू मैनेजमेंट आ रही थी उन्होंने बड़े बड़े वादे और दावे किए, हम किसी को नहीं निकालेंगे, हम किसी की सैलरी में कट नहीं करेंगे, जो है जैसा है हम वैसे ही चलाएंगे। हमने कहा ठीक है, हालांकि हम बहुत डरे हुए थे तमाम एम्प्लॉयज। उसके बाद मैं US आ गई। मैं अपनी कहानी अब यहां से आपको बताती हूँ। मैं US आ गई, यहाँ पर मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मल्टीपल बोन्स थी वो फ्रैक्चर हो गई, उनकी 2 मेजर सर्जरीज हुई। हमने एक बहुत मुश्किल टाइम यहाँ पर गुजारा। डेफिनेटली आप जब किसी वेकेशन पे आते हैं और इस तरह का इंसिडेंट हो जाए आप बहुत परेशान हो जाते हैं। इस सूरत हाल में जब मैंने ऑफिस में इन्फॉर्म किया कि मैं अभी नहीं आ सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने सर्जरीज बताई हैं, एक नहीं दो, और उनकी बहुत मेजर सर्जरीज हुई कि उनको आउटसाइड फ्रेम डला, जो कि अगर लोग जिनके साथ ये हुआ हो उनको पता हो कि उनकी एंकल बोन भी और टिबिया बोन दोनों फ्रैक्चर थी। ये सारी सूरत हाल बताई, पिक्चर्स भेजी, सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे कि मैं मुश्किल में हूं। तो उस पे बजाय मेरा साथ देने के जो न्यू मैनेजमेंट थी बोल की, उन्होंने मुझे फौरन से अनपेड कर दिया।